दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा मुर्गा था जिसकी गर्दन काटने के 18 महीने तक जिंदा रहा। दोस्तों, यह बात है अमेरिका के मिजिगन में वैन नाम की जगह के एक घर में डिनर के लिए चिकन की डिमांड थी। कस्टमर की इस डिमांड के तहत मुर्गे के ओनर लॉर्ड ओल्सन ने अपने एक मुर्गे का सिर काटना चाहा। दोस्तों, उसने अपने एक बड़े धारदार चाकू से माइक नाम के इस मुर्गे का सिर काट डाला, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देख के सब लोग सन्न रह गए। दोस्तों, हुआ ये कि मुर्गे के सिर काटने के बावजूद माइक नाम के इस मुर्गे ने अपना दम नहीं तोड़ा। लॉर्ड ने गौर से देखा तो उसे पता चला कि उसने गलती से मुर्गे के सिर को गलत तरीके से काट दिया। ऐसे में उसके दिमाग तक जाती एक खास नस और खाने पीने के लिए बनी नली नहीं कट सकी, लेकिन उसका गला कट गया और वह मुर्गा सांस लेता रहा। हैरान की बात यह है कि मुर्गे की जान नहीं गई। उसके मालिक लॉर्ड ने ऐसी मुर्गियों को पालने की खूब सुर्खियाँ बटोरी। लॉर्ड उसकी बची हुई नलियों से ही उसको दूध और पानी देता रहा। इस मुर्गे की जांच के लिए उसे यूनिवर्सिटी ऑफ उत्था ले जाया गया। माइक नाम का यह मुर्गा इस कंडीशन में 18 महीने तक जिंदा रहा। लॉर्ड अपने मुर्गे की वजह से पॉपुलर भी हुआ और उसे हर महीने $4,500 की कमाई भी करने लगा। ऐसी और जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे।